हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वह है शिक्षण विधि की विभिन्न टेक्निक्स। जो हम शिक्षण कर रहे होते हैं उनमें हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं या तकनीक यूज़ करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली हमारी विधि है या प्रणाली है किंडरगार्टन प्रणाली। ये बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता थे जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है कि किंडरगार्टन प्रणाली जो प्रतिपादित करी थी वो फ्रोबेल ने करी थी। तो इनके अनुसार विद्यालय बालकों का बगीचा है जिससे बालक स्वच्छंदता के परिवेश में खेल सकें। और जो इस प्रणाली की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो है, इस प्रणाली के तहत बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है खेल के माध्यम से। दूसरा है, इस प्रणाली के कई लाभ हैं जैसे शिशु शिक्षा पर बल, खेल द्वारा शिक्षा, बालकों की स्वतंत्रता, सामाजिक भावना का विकसित होना और प्राकृतिक वातावरण के साथ अध्ययन आदि। ये सारे किंडरगार्टन प्रणाली की जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी हमारी है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक थे वो थे किल पैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रोजेक्ट विधि की जो विशेषताएं हैं वो है, अध्यापक वाद विवाद के माध्यम से बालकों के समक्ष समस्या उत्पन्न करता है तथा उनके समाधान के लिए बच्चों को कहा जाता है कि वह प्रोजेक्ट के माध्यम से समस्या का समाधान करे। दूसरा है, प्रोजेक्ट बालकों की इच्छा के अनुरूप दिया जाता है। ये भी बात ध्यान दी जाती है कि जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है वो बालकों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट की जब समाप्ति हो जाती है तो फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब तीसरी विधि है हमारी, तीसरी प्रणाली है डाल्टन विधि। तो ये जो शिक्षा पद्धति थी ये 1920 में हेलन पार्क हस द्वारा विकसित की गई थी। और जो अमेरिका के एक डाल्टन नगर था वहाँ पे 30 बच्चों की कोई क्लास थी जिसमें विभिन्न आयु तथा विभिन्न योग्यता के बच्चे थे जो एक दूसरे से अलग अलग थे। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए या इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो विधि अपनाई गई उसे डाल्टन विधि कहा गया, क्योंकि यह अमेरिका के डाल्टन नगर में ये विधि यूज हुई थी, इसी वजह से इसका नाम डाल्टन विधि रखा गया। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो है, शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होता है। ये व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर देती है विधि। दूसरी है, स्वयं करके एवं अनुभव के माध्यम से सीखने पर भी इस विधि में बल दिया जाता है। तीसरा है, बालकों में उत्तरदायित्व तथा आत्मनिर्भर बनने की भावना का भी विकास इस विधि के द्वारा किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ जो इसकी विशेषता है, अध्यापक तथा छात्रों के बीच गहरा संबंध विकसित करने पर बल दिया जाता है। और हमारे टॉपिक की आज जो लास्ट टेक्निक है, लास्ट विधि है, वो है पेस्टोलॉजी विधि। तो इस विधि के प्रणेता जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी थे। इन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप दिया, इन्होंने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक रूप पर विशेष बल दिया था। और जो इनका बल था वो शिक्षा शास्त्र पर था। अब इस विधि की जो विशेषता है, अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखते हैं तथा बच्चे किस विधि से अधिक सीखते हैं। ये पेस्टोलॉजी विधि जो टेक्निक्स होती है पढ़ाने की, उसके अंदर ये बात कही जाती है कि बच्चे किस आयु में सीखते हैं सबसे ज़्यादा और किस विधि से सीखते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स थी जो मैंने आपको बताई, इनसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको इन पर भी ध्यान देना जरूरी था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक गुड लक फ्रेंड्स।